लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार की कल्चरल एम्बेसडर है। मैथिली अपने लोकगीतों के जरिए राज्य में जगह जगह जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मैथिली ठाकुर से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की, देखिए। हमारे साथ मैथिली ठाकुर सासाराम सर्किट हाउस में मौजूद है, हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। मैथिली, कैसा लग रहा है बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी और अब स्टेट आइकॉन इलेक्शन कमीशन? ये बहुत बड़ी जर्नी रही है और बहुत बड़े बड़े काम होते जा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगे हुए हैं कि फेज 1 से लेकर के ये आखिरी चरण के चुनाव तक जो जो जिले में मतदान होने जा रहा है, तो मतदान से कुछ समय पहले ही निर्वाचन आयोग हमें भेजते हैं अलग अलग जिलों में, ताकि हम वहाँ पे एक कार्यक्रम कर सकें जहाँ पे सारे जिले के लोग इकट्ठे हो सकें और उनके साथ हम लोग मतदान देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि एक मतदान से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक वोट नहीं देंगे या फिर वो जो वोटिंग डे होता है उसको एक छुट्टी वाला दिन मना करके इंजॉय करना, तो मतलब वो उस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कौन सा वो गीत है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप गाती हैं तो इंटरेस्ट लेकर के लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, एक गीत है, अपने अधिकारों का आओ सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, हो बनवारी डगर मुरा छोड़ा, हो बनवारी डगर मुरा छोड़ा, छोड़ डगर मुरा कुंवर कन्हैया, छोड़ डगर मुरा कुंवर कन्हैया, दूर भवन मुरा राती अन्हारी, डगर मुरा छोड़ हो बनवारी डगर मुरा छोड़। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लोकप्रिय लोक गायिका है, बिहार की स्टेट आइकॉन है, ब्रांड एम्बेसडर है चुनाव आयोग की, और वो लगातार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। चूँकि चिलचिलाती धूप है, गर्मी की तपिश है, और इसके बावजूद मैथिली का जो कारवा है लगातार बिहार में चल रहा है। उम्मीद है कि आखिरी चरण में यहाँ पर बम्पर वोटिंग होगी। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ सासाराम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।